एक्सपर्ट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षय अमृत और आज हम बात करने जा रहे हैं बजाज के स्रू मीटर के बारे में। बजाज डीलक्स स्रू मीटर है हमारे पास, 2 साल की वारंटी और 2000 वॉट के साथ। चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं किस तरह का मीटर है। दोस्तों, इस स्रू मीटर को हम अनबॉक्स करते हैं, उसके पहले यहाँ देख लें कुछ डिटेल्स दी है। यहाँ पर वोल्टेज 2000 वॉट वोल्टेज है, 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से ये काम करता है। 1469 इसका एमआरपी दिया है, 1400 के आसपास मार्केट में मिल जाता है। और ये कुछ डिटेल्स और वाइट कलर का है। चलिए इसको अनबॉक्स करके देखते हैं किस तरह का प्रोडक्ट है ये। हम इसको अनबॉक्स करते हैं दोस्तों। इतने अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे और भी वीडियोस मिलते रहें, आप हमारे सारे वीडियोस देख सकें। ये देखें दोस्तों, कुछ इस टाइप का स्टाइलिश मॉडर्न डिजाइन वाला ये रू मीटर है। चलिए इसको ओपन करते हैं। इसको खोलने के बाद हम देखते हैं कि ये कॉम्पैक्ट डिजाइन का रूम हीटर है जो कि छोटे रूम्स या मीडियम साइज के रूम्स में हमको यूजेबल रहेगा। हम वहाँ पर गर्मी के लिए इसको यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके साथ हमें मिलता है एक ये वारंटी कार्ड, 2 साल की वारंटी के साथ ये डीलर के द्वारा फिल करके दिया जाता है और स्टाम्प भी लगाया जाता है। हमें संभाल कर रखना होता है 2 सालों के लिए, जब तक कंपनी इसको झेलती है अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो। और दोस्तों, ये इसका यूजर मैनुअल है, इसमें बताया है क्या क्या इसके कंपोनेंट्स हैं और किस तरह से इसको यूज करना होता है, वो सब इसमें बताया है। आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, बाकी तो मैं बता ही रहा हूँ यहाँ पर आपको। तो दोस्तों, इसको पीछे से देखते हैं हम, तो यहाँ देखें ये टिल्टिंग लेग्स हैं, इसके जो टांगे हैं ये टिल्टिंग है, इसके ऊपर हम खड़ा कर सकते हैं। और इधर देखें ये हैंडल है, यहाँ पर इसका मॉडल से नंबर लिखा है। यहाँ देखें आप, यहाँ से आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, ये नॉब दिया है। ये कॉटन ब्रेडेड कॉर्ड है इसकी, 6-7 फीट लंबाई है और 16 एम्पियर सॉकेट में ही इसको आप लगाएं। इसके बारे में डिटेल में बात करें दोस्तों, तो ये अंदर जो लगा है इसको बोलते हैं हीटिंग एलिमेंट, ये हीटिंग एलिमेंट है। इसके बाहर फायर गार्ड लगा हुआ है और ये और साथ ही ये लेग्स, इसके टिल्टिंग लेग्स। तो दोस्तों, अब इसके बारे में कुछ जानकारी दी है। देखिए, हम बजाज का मोनो बना हुआ है। अब इसके बारे में कुछ और जानकारी जो दी है इसके पैकेट पर ही देखते हैं। 2 हीट सेटिंग्स, 1000 वॉट्स एंड 2000 वॉट्स, आप 2 हीट सेटिंग्स पर इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ से आप 1000 वॉट पर रखना चाहते हैं या 2000 वॉट पर, ये आप देख सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। और इसके बाद देखें, निकल क्रोम प्लेटेड मेश गार्ड, ये जो मेश गार्ड है निकल क्रोम प्लेटेड है, तो इससे इवनली हीट ट्रांसफर होगी। टिल्टिंग लेग्स, इसमें जो लेग्स हैं ये टिल्टिंग है, तो आप इसको खड़ा कर सकते हैं इन लेग्स पर। मैं बताता हूँ कैसे, कुछ ऐसे इस तरह से आप इन लेग्स को टिल्ट करके खड़ा कर सकते हैं इसको। इसके बाद इसमें बताया है एसएस हीट रिफ्लेक्टर है, ये जो हीट रिफ्लेक्टर है स्टेनलेस स्टील का है, तो रिफ्लेक्ट अच्छे से करेगा हीट को और रूम पूरा गर्म करेगा, इस तरह का हीट रिफ्लेक्टर है। ये ऑपरेशन की अगर बात करें तो नीट क्लीन ऑपरेशन है, शांति से आपको गर्मी देगा, आवाज नहीं करेगा, इस तरह का रूम हीटर है। और इसमें इनबिल्ट सेफ्टी सिस्टम है जो कि ओवरहीटिंग से सुरक्षा करता है आपकी। ओवरहीटिंग के केस में ये आपको कोई हानि नहीं पहुंचने देता है। तो इसको आप बाहर से परचेस कर सकते हैं ऑफलाइन, या आप ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूं, वहां से आप परचेस कर सकते हैं। दोस्तों, हमने बताया बजाज डीलक्स रूम हीटर के बारे में। आप हमारे और भी वीडियोस देख सकते हैं हमारे चैनल पर, जुड़े रहें। धन्यवाद।